ग्वालियर झांसी हाईवे पर रात 2 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे का पहिया निकलने से हादसा हो गया। ट्रैक्टर डिवाइडर की रेलिंग तोड़कर रोड की दूसरी तरफ जा गिरा। हादसे में करीब 18 मजदूर घायल हो गए। ग्वालियर झांसी हाईवे पर जोरासी घाट पर रात 2 बजे मजदूरों को लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे का पहिया निकल गया, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर लगी रेलिंग को तोड़कर रोड पर दूसरी ओर पहुंच गया। इससे ट्रॉली में सवार करीब 18 मजदूर घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस ने इलाज के लिए एम्बुलेंस से ग्वालियर अस्पताल ले जाया गया। वहीं बाकी के मजदूर घाटी में ही रोड किनारे रात भर लेटे रहे। ललितपुर से मजदूरों को लेकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली रात 2 बजे ग्वालियर की ओर जा रही थी। ट्रॉली में करीब 45 मजदूर ललितपुर, दतिया और शिवपुरी जिले के मनीखेड़ा सहित आसपास के क्षेत्र के सवार थे। डबरा से इमरान खान की रिपोर्ट।